का ढाबा, बाबा का ढाबा, बाबा का ढाबा, क्या बात है। पूरी इंसानियत उमड़ पड़ी है इस समय बाबा के ढाबे में। लेकिन आपके आसपास जो बाबा रहते हैं उनका क्या भैया, वो सब्जी वाला जो 10 रुपए का रेट बताता है तो आप उसको 8 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए में खरीदना चाहते हैं, उसका क्या। बड़े बड़े सैलून पे जा करके बाल कटा लेते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे बैठा हुआ आपका वो गरीब नाई जो सोचता है कि मात्र 20 रुपए में आपके बाल काट दे, फिर भी आप नहीं कटवाते हैं, और अगर कटवा भी ले तो बाल काटे हैं चलो दाढ़ी फ्री में बना दो। तो दाढ़ी फ्री में बनवाने की जो परंपरा है कब बंद करोगे चाचा? क्या वो फल वाला, वो सब्जी वाला जिससे आप 5 रुपए, 10 रुपए की सब्जी में भी कुछ ना कुछ छूट करवाते रहते हैं, वो हकदार नहीं है आपके प्यार का? क्या वो रिक्शे वाला जिससे आप बोलते हैं 20 नहीं भैया 10 में ले चलो, क्या वो हकदार नहीं है आपके प्यार का? ये सही समय है ये सीखने के लिए कि कम से कम 1-2 ऐसी मदद करके काम नहीं बनेगा, हमें ऐसे लोगों की मदद करना है जो रिक्शा खींचते हैं, जो छोटे छोटे फलों के ठेले लगाते हैं, सब्जियों के ठेले लगाते हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, उनकी मदद कब होगी, कैसे होगी? तो आपके मोहल्ले के आसपास जो बाबा हैं उनकी मदद करके भी फोटो डालिए, डालिए तो सही, फोटो डालने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपने किसी की मदद की है और फोटो आप डाल रहे हैं तो जिनको दर्द हो रहा है वो भी फोटो डाल लें, उनको नहीं डालना है तो कम से कम ऐसे लोगों को तो प्रेरणा मिलेगी जो ऐसा कर सकते हैं। फोटो डालने की ज़रूरत है दोस्त, जिससे दूसरे लोग प्रेरणा ले सकें। तो चलो फिर लोगों की मदद करो और डालो फोटो, जिसका जो बिगड़ रहा हो आपके फोटो डालने से तो बिगड़ जाने दो, क्या दिक्कत है। चलो फिर चालू करते हैं, बाबा ढूंढते हैं, आओ नए बाबा नई मदद।